नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी नव चयनित समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों, प्रिय भाइयों बहनों और साथियों को यह अवगत कराने वाली हूँ कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, अर्थात डीवी के बाद आप सभी की नियुक्ति की प्रक्रिया को कैसे गतिशील ता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले साथियों आप सभी को बताना है कि जैसे ही लोक सेवा आयोग द्वारा डीवी को संपन्न किया जाता है, वैसे ही आप सभी की डीवी से संबंधित डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उसका लोक सेवा आयोग द्वारा बेहद ही गहनता के साथ अध्ययन कर एक नियुक्ति संस्तुति प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान उत्तर प्रदेश सचिवालय में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा आप सभी चयनित नवीन समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों को एक पत्र जाएगा मेडिकल के संबंध में। और जैसे ही मेडिकल के संबंध में आप सभी को वह पत्र मिलेगा, वैसे ही आप मेडिकल करवाकर मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित सूचना सचिवालय में आप उपलब्ध कराएंगे, या तो उसको आप बाय पोस्ट करा सकते हैं या बाय हैंड करा सकते हैं, आप जिसमें अपनी सुविधा को महसूस करें ताकि आप सभी की नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके, वो आप अवश्य ही प्रक्रिया को आप फॉलो करें। इसके बाद सचिवालय द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या जो नियुक्ति संस्तुति आई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों का, तो उनके ऊपर कोई आपराधिक कोई कार्यवाही तो संस्थित नहीं है आदि से संबंधित कई प्रकार के जांच पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा करवाया जाता है। उसके क्रम में आप सभी के लिए एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है और जैसे ही आपको वह नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है, वैसे ही आप एक निश्चित समयावधि के भीतर आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में अपने नियुक्ति से संबंधित निश्चित प्रपत्र आप जमा करते हैं और जमा करने के साथ ही आप सभी के लिए जो आगे की प्रक्रिया होती है वो सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। इसके कुछ दिनों बाद आप सभी को सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 द्वारा जो भी विभाग में भेजा जाएगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनाकर प्रथम तैनाती विभाग के संबंध में वहाँ पर एक अलग से आप सभी के लिए आदेश निकलता है, जिसके क्रम में आप सभी का नया जो विभाग आप सभी को मिलता है वहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग का लेटर देते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं। तदक्रम में वहाँ पर जिस विभाग में आप जाते हैं फिर वहाँ पर आपके अधिष्ठान के माध्यम से कौन सा अनुभाग आपको उपलब्ध कराया जाएगा उससे संबंधित आदेश निकाले जाते हैं। इस प्रकार आप सभी की फाइनल नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट होता है। तो साथियों आज इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार डीवी के बाद आप सभी की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसी महत्वपूर्ण सूचना और संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।